दिमाग में एकदम ये फॉर्मूला आ गया शीट देखते ही, तो आप बेटा गलती कर रहे हैं और आंसर आपका ठीक आ जाएगा, लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल एरर कर दी बेटा। तो बेटा एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल का नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। ज्यादा देर नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, हम लोग मीन्स मैं और आप सब कर रहे हैं, और उसका तीसरा क्वेश्चन आज लेके आए हैं 12th क्लास के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और बेटा ये क्वेश्चन जो तो CBSE में तो नहीं आया है, लेकिन आपको बताऊं, लेकिन CBSE ने अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन उन्होंने सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया है, मीन्स उनकी थिंकिंग ऐसी होती है। 2016-17 में ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में था, जो CBSE आई थिंक अक्टूबर नवंबर के समय रिलीज करती है। ओके, तो सबसे पहले तो आप खुद इस क्वेश्चन करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज कर लें, ठीक नहीं होता है फंसते हैं फिर देखें। अच्छा, उसमें भी दो तरीके हैं, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर लास्ट में जाके देख लो आंसर क्या ठीक आ रहा है। ठीक है, एक तरीका ये होता है, एक तरीका होता है कि आप वीडियो को पॉज करें, अपना खुद करें, फिर स्किप कर करके फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, ताकि आपको पता चले कि क्या आपका प्रोसेस भी ठीक है ना, प्रोसेस भी ठीक होना चाहिए, सीधे आंसर नहीं, प्रोसेस भी ठीक होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। A uniformly charged plane sheet of surface charge density sigma, इतना दे रखा है, all right. Uniformly charged plane sheet है, जिसपे charge uniformly distributed है, okay. Sigma दे रखा है इतना, यानी कि एक मीटर स्क्वायर पे इतना चार्ज रहता है, 2 × 10⁻¹⁷ कूलम चार्ज एक मीटर स्क्वायर पे रहता है, all right. First part. Find the electric field intensity at point A. A point पे intensity निकालनी है, sheet ये दिख रही है, इस पे जो भी charge हो positive negative फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलिए हमने मान लिया इस पे बेटा positive charge है, हालांकि ऐसा कहीं भी इसमें दिया हुआ नहीं है, plus minus दिखा नहीं रहा, plus minus से क्या होता है बेटा, plus minus से सिर्फ इसकी direction कर decide होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इंटेंसिटी की वैल्यू कहाँ पे निकालनी है बेटा, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट कहाँ है डायग्राम पे देखें, ये रहा ए पॉइंट, ए पॉइंट और साथ में लिखा है 5 mm अवे फ्रॉम द शीट, जो कि शीट से 5 mm की दूरी पर है, 5 mm इतना दूर है ना, कितना दूर है 5 mm, बहुत नजदीक है, बहुत ही नजदीक, लेफ्ट साइड में देखो, शीट के लेफ्ट साइड में, ठीक है, ओके। अब बच्चों के दिमाग में एकदम देखना, जैसे देखेंगे शीट आ गई, ओहो शीट है सर, शीट है, दोस्तों की मिल जाएगा, मैं मजा आ जाए, क्या है फॉर्मूला सर, ये होता है सर शीट का, ये लगा दो, सबने बोला हाँ नहीं ठीक है, ठीक चलो खत्म लगा दो, लेकिन बेटा गलती कर गए आप, अगर आपके दिमाग में एकदम ये फॉर्मूला आ गया शीट देखते ही, तो आप बेटा गलती कर रहे हैं और आंसर आपका ठीक आ जाएगा, लेकिन आपने कॉन्सेप्चुअल एरर कर दी बेटा। ये फॉर्मूला जब हम पढ़ा करते हैं, डराइव किया करते हैं, तो ये सिर्फ वैलिड होता है किसके लिए, वैलिड ओनली फॉर बेटा, ये सिर्फ इनफाइनाइट शीट के लिए वैलिड होता है, इनफाइनाइट शीट, तो पहले देख लो कि क्या आपकी शीट इनफाइनाइट है कि नहीं। अब सर ये तो इनफाइनाइट नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि उसकी लेंथ ब्रेड इनफाइनाइट होगी, ये बिल्कुल नहीं होता, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के इच्छुक हो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के इच्छुक हो, उस पॉइंट के हिसाब से क्या ये इंफिनिटी है। आप एक छोटी सी चीटी बनके ए पॉइंट पे बैठ के देखो, छोटा सा ऐसा देखो, यूं देखो बिल्कुल पास से, ये 10 cm, ये 10 cm, मतलब कि 10-10 इतना बड़ा बना, वो बिल्कुल नजदीक हो, कितनी दूर हो, इससे आप बस 5 mm की दूरी पर हो, 5 mm, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 100 cm², और 5 mm × 5 mm 25 mm², तो बहुत ही फर्क हो गया। तो इस पॉइंट के लिए बेटा, इस पॉइंट के लिए ये शीट बिहेव करेगी, इट बिहेव एज, किसकी तरह बिहेव करेगी, इनफाइनाइट शीट की तरह। ध्यान रखना, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल बहुत बड़ी साइड, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हो, ए पॉइंट पर निकालने के इच्छुक थे, हम इस फॉर्मूले को लगाएं, बिल्कुल लगाएंगे बेटा, बिल्कुल लगाएंगे, बहुत सिंपल है, अब कर दे।
क्या करना है सर? फॉर्मूला सिग्मा की वैल्यू रखिए, हाँ टू हमें पता होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है रख दे बेटा, ई बराबर आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 टू दी पावर 17 डिवाइड में कौन गए, डिवाइड में 2 है इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, ऐसा ही होता है। हाँ देखो भैया देखो देखो कैलकुलेशन, 2 ने 2 को मार दिया मर गया, ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर 29 हो जाएगी, डिवाइड में चली जाए तो मैं इसे इस प्रकार लिख लेता हूँ बेटा, 10 टू दी पावर 29 को मैंने लिख लिया 28 इंटू 10 टू दी पावर 8, ऐसे 10 टू दी पावर 28 इंटू 10 टू दी पावर 1, ऐसे हो गया ना 29। ओके नीचे क्या है 8.85। बेटा ध्यान से देखो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, मैंने इसे अलग क्यों किया, क्योंकि डिवाइड करना ईजी हो जाएगा, 10 को 8.85 से डिवाइड करना है, क्या ये लगभग लगभग 9 है? हाँ तो 10 अपॉन 9 आपको पता है कितना होता है 1.1 समथिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.1 समथिंग उससे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये 9 नहीं है, ये 9 से थोड़ा सा कम है, तो 1.12 इंटू 10 टू दी पावर 28, यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की सबको पता है, न्यूटन पर कूलाम, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख लेता हूँ मैं, हाँ आ रहा है ठीक है, बहुत सिंपल। देखो मैं आपको बताऊं, बच्चे बहुत से बच्चे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है आंसर ठीक आएगा वो भी ठीक है, डेढ़ नंबर मिल, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, डेढ़ नंबर मिल जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन बेटा कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं रहनी चाहिए आपके माइंड में, अगर आपके माइंड में जरा सी भी गलती है ना थोड़ी सी, तो वो बहुत पछताओगे आप, है ना, बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। एनीवेज तो ये आई थिंक समझ में आया होगा आपके, क्योंकि ए पॉइंट बहुत नजदीक है। अब कैसे पता चले सर ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा नहीं करेगा, एक सिंपल सी बात, देखो बेटा इस डिस्टेंस का कुछ लेना देना था, बच्चे बोलेंगे नहीं सर क्यों दी है, अबे इसीलिए दी है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस डिस्टेंस के लिए ये शीट इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगी, अगर ये डिस्टेंस कहीं दी होती मान लो 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, है ना 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो बेटा ये बिहेव नहीं करती, फिर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते थे, हमको दिमाग लगाना होता फिर। ओके ऑल राइट सर ठीक है, फिर तो वैलिड होगी, इसका कोई लेना देना है? हाँ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है लेना देना, ठीक। अगला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड पार्ट कहता है गिवन ए स्ट्रेट लाइन विद द 3 पॉइंट्स एक्स वाई जेड, जेड को जी भी बोलते हैं काफी लोग, जी सिनेमा जी टीवी ना, गिवन अ स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट एक्स वाई जेड प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द चार्ज सीट, ये जो चार्ज सीट है इससे ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये देखो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड और वो एक लाइन पर है, गिवन अ स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स एक्स वाई जेड जो कि 50 सेंटीमीटर दूर है शीट से, अब शीट से 50 सेंटीमीटर दूर सर ऐसे कर लो, नहीं बेटा फिर लाइन का हर एक पॉइंट की डिस्टेंस अलग अलग आएगी, जब भी कभी कहना कि लाइन उससे इतनी दूर है समझ जाओ लाइन पैरेलल होगी उसके, लाइन उसके पैरेलल होगी पैरेलल, ठीक, या फिर अगर पॉइंट है तो समझ लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी लाइन की, ठीक है ना, ये ध्यान रखना ये बहुत छोटी छोटी बात होती है। ओके फिर क्या कह रहा है, राइट साइड में, ठीक है राइट साइड में है, कह रहा है एट विच ऑफ दीज पॉइंट, इनमें से कौन से पॉइंट पे एक्स वाई जेड की बात कर रहा है, एट विच ऑफ दीज पॉइंट द फील्ड ड्यू टू द शीट्स, शीट्स नहीं सीट आना चाहिए ना, द फील्ड ड्यू टू द शीट रिमेन्स सेम, इनमें से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही रहेगी जैसी कि ए पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर कितना था इतना था। पहली बात बेटा क्या इनके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो अब देखो बेटा 50 सेंटीमीटर दूर से अगर शीट को देखोगे ना तो ये इनफाइनाइट नहीं दिखेगी, ये फॉर्मूला सिर्फ इनफाइनाइट शीट के लिए होता है, एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं, ये फॉर्मूला इनफाइनाइट शीट के लिए तो वैलिड है ही है, साथ ही साथ बेटा इस फॉर्मूले को हम फाइनाइट शीट के लिए भी लगा सकते हैं, फाइनाइट मतलब ज्यादा बड़ी शीट नहीं है ना, छोटी है, छोटी है का मतलब जब दूर से देख रहे हो, जैसे कि इस पॉइंट के लिए तो इनफाइनाइट है, जबकि इन पॉइंट्स के लिए कैसी शीट है, फाइनाइट, साइज ज्यादा बड़ा नहीं दिखेगा क्योंकि दूर से आप देख रहे हो, अरे दूर से देखो खंभा भी इतना दिखता है ना,
अपने को पास जाके वो खंबा और भयंकर का तो लंबा खंबा है ऐसा दिखेगा, कॉमन सेंस की बात है, वही चीज यहाँ पे लगी है। तो बेटा ये फॉर्मूला फाइनाइट शीट के लिए भी वैलिड होता है, इनफाइनाइट पे तो 100% लगेगा, इनफाइनाइट शीट पे तो आंखें बंद करके इस फॉर्मूले को लगा दो। लेकिन दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर, लिंक नीचे चल रहा दूसरा लगता हूं, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर फाइनाइट शीट, ये फाइनाइट शीट के लिए भी वैलिड ही होगा बेटा, कोई फाइनाइट शीट है उसके लिए भी वैलिड होगा। लेकिन लेकिन बेटा मिडिल रीजन पे, मिडिल रीजन का मतलब है शीट का सेंटर है ना, यहां जहां शीट का सेंटर है उस वाली लाइन पे जाओ, एट द मिडिल रीजन, एट द मिडिल रीजन, मिडिल रीजन पे भी ये वैलिड होता है। ध्यान रखना फाइनाइट शीट के लिए भी बेटा हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ मिडिल रीजन पे। तो आप समझ गए यही फॉर्मूला यूज हो जाएगा वाई के लिए। देखो मिडिल रीजन पे आ रहा है, आप सोचो एक्स पे लगा दो बेटा नहीं होगा, सोचो क्यों नहीं होगा। अगर हम एक्स के हिसाब से देखते हैं जितना पास इसके है इससे दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, वाला ऐसा आएगा, जुड़ के कहीं उधर बनेगा तिरछा। अच्छा बिल्कुल मिडिल वाले पे देखो बेटा जितनी दूरी है इससे है उतनी ही दूर इसके अपोजिट वाले से भी, बराबर बराबर दूरी पे चलेंगे। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे के जो है वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, सारे उधर वाले जुड़ जाएंगे, एग्जैक्टली वही फील्ड आएगा जो यहाँ आएगा, क्योंकि फील्ड लाइंस सीधी जाती दिखेगी इस जगह पे। ठीक, जबकि होगा क्या, अगर आप दूर चले गए तो फील्ड लाइंस पैरेलल तो जा रही थी, आगे जाके बैंड होने लगती है, इसीलिए हम एजेस को छोड़ देते हैं बेटा, एजेस को छोड़ देते हैं। और यहां भी बताओ बेटा यहां पे भी आप इन एजेस को छोड़ रहे हैं, एजेस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, एजेस पे चार्जेस ज्यादा जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो जाता है वहां पे, तो एजेस को मानते नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ एजेस को छोड़ देंगे। ठीक है, कर्लिंग इफेक्ट कहते हैं उसको। खैर तो ये क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा, इनमें से कौन से पॉइंट पे सेम रहेगा, तो आपका आंसर आएगा वाई। फिर वो पूछ रहा है वाई, वाई तो आया लेकिन वाई मिठाई वाला वाई। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला फाइनाइट शीट के लिए भी वैलिड होता है लेकिन सिर्फ मिडिल रीजन के लिए, ओके। और मैंने आपको बताया कि क्यों, एंड आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। और बेटा ऐसे ही आप पढ़ते रहें जितने ज्यादा हो सकता है, पढ़ें फिजिक्स को, ध्यान दें फिजिक्स को, तन मन धन सबको समर्पित कर दें। ठीक, चलिए फिर, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। और एक बात और बेटा, एक बात और, आप लोग टेलीग्राम का एक चैनल है मेरा छोटा मोटा सा, 5-10 लोग हैं उसमें, उसमें बेटा आप लोग अगर सर्वे में पढ़ना चाहते हैं उसमें क्विज वाले क्वेश्चन हैं बहुत सारे, उन्हें करते रहें, उससे आपको अपना सेल्फ असेसमेंट होगा कि यार मैं MCQ में यहाँ पे फंस रहा हूँ, है ना, तो वो करते रहें। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच।